तैयारी सब हो चुकी है। एवेंजर्स और कलंक ये दोनों के लिए हमने काफ़ी तैयारी की थी, और तैयारी करना जरा मुश्किल होगा क्योंकि सब तैयार करके बैठे हैं। रही बात तो हमारे मुस्लिम बिरादरों को उनके रोज़े मुबारक होना, अभी मौका मिल रहा है तो मैं आप सबको रमज़ान मुबारकबाद दे रहा हूँ। एक महीने की कड़ी तपस्या के बाद आप भारत देखेंगे, आप भारत जज करेंगे, आप सलमान जज करेंगे, और उसके बाद कहीं दिसंबर में हो दो बड़ी पिक्चर आ रही है, तो वी आर वेटिंग फॉर द बिग मूवीज एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपको लगता है कि सलमान खान के लाइफ में, करियर में ये भारत बेस्ट फिल्म कहलाएगी? लग इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको कभी मैंने ऐसे ओल्ड गेटअप में देखा नहीं है आज तक, और उसको ओल्ड गेटअप में उसके फैन या मैं देखना चाहूँगा कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिंग। ऐसा नहीं है कहीं जवान कैरेक्टर ओल्ड गेटअप में नहीं है। अब मिसाल के तौर पे एक जमाना था अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने आखिरी रास्ता दो रोल किए, एक जवान इंस्पेक्टर और एक उसके फादर, जो बहुत ओल्ड गेटअप बताया है, लेकिन दोनों में उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन किया। हो सकता है सलमान भी ऐसे जस्टिफाई कर जाए, इज अ वेरी डैम गुड एक्टर, तो वो हो सकता है कर जाए। वी आर वेटिंग फॉर दैट। बेस्ट होनी चाहिए। अच्छा देखिए ना, तो आपके प्रेडिक्शन का लोग वेट करते हैं कि आप फिल्मों को लेके क्या कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, क्या बॉक्स ऑफिस रिजल्ट होगा, तो मैं इसका जानना चाहूंगी भारत का। आई नो थोड़ा अर्ली है, बट इट्स वेरी अर्ली, बट ईद की दिन अगर आ रही है, अपोजिशन कोई होगा नहीं। अभी से बता देता हूँ, मेरा मराठा मंदिर होगा और गेटी गैलेक्सी दोनों होंगे। मैं दिन के 8 शो चलाऊंगा और भगवान ने चाहा तो सब हाउस फुल दूंगा। अली अब्बास अफर ने कहा कि सलमान खान की 7 फिल्मों का मेल है फिल्म फिल्म का क्रेज बहुत ज्यादा है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? कितने भी फिल्मों का क्रेज इकट्ठा करे जाए सलमान का या कुछ भी हो, अल्टीमेटली द स्टोरी, डायलॉग, म्यूजिक एंड सलमान, ये जब इकट्ठे होंगे ना, पिक्चर चलनी बहुत ज्यादा ग्रैंड है। इट्स ऑन अ ग्रैंड लेवल, तो चलनी चलिए।